सतवास तहसील के काटाफोड़ में सत्यनारायण तिवारी बंधु के निवास पर तिवारी परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सत्संग के चतुर्थ दिवस पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कथा वृत्तांत सुनाते हुए भगवान प्रवक्ता पंडित राज राजेश्वर शास्त्री ने नरसिंह अवतार की कथा वृत्तांत सुनाया। समुद्र मंथन की कथा वृत्तांत कहते हुए कहा, भगवान नीलकंठ की महिमा का वर्णन बड़े ही सुंदर भाव से किया। भागवत कथा के दौरान पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने व्यासपीठ का पूजन कर कथावाचक का पुष्प माला पहनाकर शाल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष सुशील पसारी, मंडल महामंत्री संतोष चौबे, आशुतोष पराशर, दीपक धारीवाल उपस्थित थे। सुदामापुरी मित्र मंडल द्वारा भी व्यासपीठ का पूजन कर कथा प्रवक्ता का सम्मान किया गया। सतवास से जीतू सिंह की रिपोर्ट। बड़ी संख्या में मातृशक्ति बैठी है और मैं अक्सर मातृशक्ति के सामने एक प्रश्न रखता हूँ कि बच्चे का पहला गुरु माँ होती है। जैसा माँ सिखाती बच्चा वैसा सीखता है, इसलिए संस्कारवान बालक हमारी इस भारतीय धरती पर हो, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि आजकल बच्चों को जितना समय हमको देना चाहिए वो हम नहीं दे पाते, ना दादा दादी दे पाते, ना नाना नानी दे पाते, क्योंकि परिवार अब बहुत छोटे होते जा रहे हैं और परिवार छोटे होने के साथ साथ मकान तो बड़े होते जा रहे हैं लेकिन दिल भी बहुत छोटा होता जा रहा है। मैं जानता हूँ कि दो कमरों के मकानों में पहले शादी हो जाया करती थी लेकिन आज गार्डन होने के बाद भी लोग अव्यवस्था कहीं ना कहीं कहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।